दोस्तों, एआई टेक्नोलॉजी में हर रोज कोई ना कोई इन्वेंशन आ रही है। बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसा कि गूगल, अमेज़न, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कई बिलियन डॉलर्स की अमाउंट इन्वेस्ट कर रही हैं। इनफैक्ट गूगल ने एआई रिसर्च करने के लिए और न्यू एआई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसके बावजूद ओपन एआई का प्रोडक्ट चैट जीपीटी अब तक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को लीड कर रहा था। जहां तक गूगल की बात है तो उनका पहला एआई चैटबॉट बार्ड एक फेलियर साबित हुआ था, जिसकी वजह से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गूगल अपने सीईओ सुंदर पिचाई को हटा भी सकता है। बार्ड को गूगल ने जेमिनाई के नाम से चेंज किया और अपग्रेडेड जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर थी। मगर अब ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद गूगल का क्लेम है कि उन्होंने जनरेटिव एआई चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है। असल में इसी वीक गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सैन फ्रांसिस्को में होने वाली डेवलपर कॉन्फ्रेंस में गूगल के नए प्रोजेक्ट्स और अपग्रेडेशन का इंट्रोडक्शन दिया। इस कीनोट में सुंदर पिचाई का कहना था कि गूगल ने एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अब तक के सबसे एडवांस एआई फीचर्स डेवलप कर लिए हैं। इन फीचर्स में गूगल सर्च से लेकर जीमेल और जेमिनाई समेत ऑलमोस्ट सभी गूगल प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा अपडेट किया गया है और लग यही रहा है कि फिलहाल गूगल ने अपने राइवल्स को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं कि गूगल आईओ 2024 में गूगल ने कौन से नए फीचर्स रिवील किए हैं। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें और एआई से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जेमिनाई 1.5 को डिस्कस करते हैं, जिसमें बहुत सी अपडेट्स की गई हैं। जेमिनाई में पहली अपडेट तो ये हुई है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल से मल्टी मोडेलिटी पे शिफ्ट हो गया है। यानी पहले जेमिनाई अगर सिर्फ टेक्स्ट का आंसर देता था तो अब ये वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट तीनों फॉर्म्स में पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब दे सकेगा। ये ह्यूज डेवलपमेंट हुई है। अब ये 2 घंटे की वीडियो या 1500 पेजेस तक की पीडीएफ फाइल में से भी जवाब ढूंढ सकता है। इसी तरह 22 घंटे की ऑडियो और कोडिंग की 60,000 से भी ज्यादा लाइंस को एनालाइज करके आपको रिक्वायर्ड जवाब प्रोवाइड कर सकता है। इन फीचर्स की वजह से ही इस प्रोजेक्ट को आईओ का नाम दिया गया है। आई मीन्स इनपुट और ओ मीन्स आउटपुट। अब जेमिनाई 1.5 प्रो की डाटा को प्रोसेस करने की कैपेसिटी चैट जीपीटी के कंपैरिजन में 10 टाइम ज्यादा हो चुकी है। यानी अब चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी गूगल के कंपैरिजन में आउटडेटेड हो चुकी है। जेमिनाई के अलावा गूगल फोटोज में भी नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। अब एआई की मदद से गूगल फोटोज आपकी पिक्चर्स को आपकी मर्जी से अरेंज कर सकता है और आपके कहने पर रिक्वायर्ड फोटोज आपको निकाल के दे सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल में आपके बेबी की पैदाइश से लेकर उसकी 5वीं बर्थडे तक की फोटोज हैं। अब अगर आप गूगल फोटोज को कहें कि उसके 5ों बर्थडे ओकेजन की फोटोज एक तरतीब से अरेंज कर दो, तो वो कुछ सेकंड्स में बर्थडे फोटोज को अरेंज कर देगा। इस तरह आप गूगल फोटोज की मदद से अपनी पिक्चर्स को कंपाइल अरेंज कर सकते हैं। गूगल फोटोज को जेमिनाई से भी लिंक किया गया है। आप जेमिनाई में पिक्चर्स को एज ए इनपुट भी यूज कर सकते हैं। गूगल फोटोज में अपडेट के अलावा प्रोजेक्ट आस्ट्रा भी रिवील किया गया है, जिसके तहत एक यूनिवर्सल एजेंट बनाया गया है जो डेली लाइफ में लोगों की हेल्प कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजर्स अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके एआई एजेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में जेमिनाई को कोडिंग का एक पेज दिखा के उसे कहा जाता है कि इस कोड को एक्सप्लेन करो, तो एआई सिस्टम कोड को एक्सप्लेन कर देता है। It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector. इसी तरह आप वीडियो में देख सकते हैं कि जेमिनाई उस औरत को रूम में से ग्लासेस तलाश कर देता है। Your glasses were on the desk near a red apple. गूगल ने अपने क्रिएटिविटी टूल्स को भी अपग्रेड किया है। प्रोजेक्ट आस्ट्रा के अंदर जेमिनाई 1.5 फ्लैश का डेमो भी दिया गया है। इसके मुताबिक गूगल का नया वीडियो जनरेटर वियो भी लॉन्च किया गया है। ये वीडियो जनरेटर 1080 पिक्सल क्वालिटी की हाई रेजोल्यूशन वीडियो जनरेट कर सकेगा। हाई रेजोल्यूशन वीडियो जनरेशन के अलावा डाइवर्स किस्म के प्रॉम्प्ट्स को समझकर उनके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाएगा। वीडियो के अलावा इमेज एफेक्ट्स को भी इम्प्रूव किया गया है, जो हाई क्वालिटी इमेजेस को जनरेट कर सकेगा। गूगल ने अपनी प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो वर्कप्लेस में लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीमेल आपकी तमाम ईमेल्स की समरी आपको प्रोवाइड करेगी, जिससे आपको बारी बारी सब ईमेल्स रीड नहीं करनी पड़ेंगी। इसी तरह गूगल मीट पे चाहे घंटों लंबी मीटिंग हो, जेमिनाई उसको रिकॉर्ड करके उसमें हाईलाइट आपको रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो गूगल आईओ 2024 में बताई गई, वो ये है कि अब गूगल सर्च को भी जेमिनाई से लिंक कर दिया गया है।
एज अ रिजल्ट गूगल सर्च भी AI बेस्ड रिस्पॉन्स देगा। ये पहले की तरह आपके क्वेश्चन के जवाब में बहुत सारी वेबसाइट्स का लिंक ही नहीं बल्कि एक ओवरव्यू भी पेश करेगा। इसके अलावा गूगल ने पालीगेमा नाम से एक विजन लैंग्वेज मॉडल भी इंट्रोड्यूस करवाया है जो इमेजेस में मौजूद टेक्स्ट को भी रीड कर सकेगा। ऐसे ही अगर इस मॉडल को कोई वीडियो दिखाई जाए तो वो उसको भी रीड कर सकेगा। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप इमेजेस या वीडियो कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो ये मॉडल आपको इसका जवाब देगा। फॉर एग्जांपल, आप इसको कोई यूट्यूब वीडियो दिखाकर उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, ये मॉडल अभी इनिशियल स्टेज पे है। इसका एडवांस वर्जन जून 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर में ह्यूज एडवांसमेंट के अलावा गूगल ने हार्डवेयर में भी एक अचीवमेंट की है और वो है एक न्यू चिप ट्रिलियम की मैन्युफैक्चरिंग। ये एडवांस चिप ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखती है और पहले से मौजूद चिप्स की निस्बत इसकी कैपेसिटी 4.7 टाइम ज्यादा है। गूगल इस चिप को यूज करके मजीद एडवांस AI सिस्टम डेवलप कर सकता है और उम्मीद यही है कि फ्यूचर में गूगल इन चिप्स की मदद से अपनी AI प्रोडक्ट में नए और अपडेटेड फीचर्स लेकर आएगा, जैसा कि उन्होंने IO 2024 में प्रेजेंट किया है। तो दोस्तों, ये थे गूगल IO 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट रिवील्स। हम इस पे एक डिटेल वीडियो पे काम कर रहे हैं ताकि हर सेक्शन के मुताबिक आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। यकीनन ये सभी फीचर्स एडवांस और एक्साइटिंग हैं जो कि आपके गूगल इकोसिस्टम में ऐड होने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बाकी टेक्नोलॉजी कंपनीज गूगल के रिस्पांस में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं। तो व्यूअर्स, आपको गूगल के नए फीचर कितने एक्साइटिंग लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।